नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दिवोत्सव न्यूज़। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि बेसब्री से इंतजार कर रहा ये जन सैलाब। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, GIC ग्राउंड बांदा जिला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे एक विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं पे ये जन सैलाब उमड़ा है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी जी, और आप यहां देख सकते हैं कि जो भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने और एक झलक उनकी देखने के लिए यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें कि बांदा जिले में नगर पंचायत चुनाव के जोर शोर से प्रचार और तैयारियाँ अभी तक चल रही थी। आज चुनाव का जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया थी, वो आज से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 15 सीटों में जो चुनाव होने हैं, वो 11 तारीख को यहाँ पे वोटें डाली जाएंगी। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है और जो ये तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, तो उनका यहाँ पे तालियों से स्वागत किया जा रहा है। अब आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मानव प्राप्त की मूर्ति की अनावरण का
कार्य को मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी जयंती की मूर्ति स्थापना की उनकी प्रथम जयंती करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आप सभी यहाँ के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, हमारा माता जनपद नीलकंठ महादेव के आशीर्वाद से कालीचरण किले की अपनी प्राचीन आभा को पुनर्स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी बुजुर्गों का आशीर्वाद एक सनातन व्यवस्था है। ये समय पर साक्षात वामदेव जैसे ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, कठिन चुनौती इसके सामने हो सकती है। हेलो, मुझे एक बात की आज प्रसन्नता है, आज मैं बड़े गौरव वही दूसरी ओर विकास की नई कहानी कह रहा है। उनके खंड एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं देख रहा था जाता हूँ कि सुगमता के साथ हमारे बदला है जो मेरे खंड एक्सप्रेस वे का और बाना से होकर के जा रहा है चित्रकूट तक, यानी चित्रकूट में बैठे मात्र 6 घंटे में हमारे सांसद ये कुछ कल्पना करता था कि गुरुदेव खंड में कितनी आसानी से इस प्रकार की सुगम व्यवस्था हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, ये हकीकत और इस हकीकत के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड ये माताएं रहने परेशान रहती थी पानी की मटकी लेकर के गदरी लेकर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस गर्मी में तो टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता और वो पानी देवता भी था भाइयों बहनों वो सोचते नहीं था। वर्षों का जमा पानी एक जगह में एक तालाब में किसी सूखी नदी के किनारे उसको लेने के लिए उसको पीने के लिए मजबूर होता था हमारा देश। लेकिन भाइयों बहनों, ढेर सारे गांव में पहुंचा चुके हैं और अगले 4 महीने के अंदर बुंदेलखंड के हर गांव में हर हर नल की योजना लागू हो जाएगी। बुंदेलखंड के मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि यहां के पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए हमारी सरकार माता में बहुत ही जरूरत है। लेकिन अन्य जनपदों में भाइयों बहनों जुड़ने दीजिए, एक एक जल बूंद का यहां उपयोग किया जाएगा और यहां के संसाधनों पर टकैती डालने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी और इसीलिए आपके पास करना है। पहले नंदनाथ जी का इतने यहां की समस्या का समाधान और भाइयों बहनों अमृत योजना के अंदर हमको बहुत प्रकार से नगर पालिका परिषद अक्षरा से श्रीमती संगीता निराला, नगर पंचायत कबेरू से श्री विजयपाल सिंह, नगर पंचायत ओरन से श्री मनोज त्रिवेदी, नगर पंचायत कटोर से श्री सुधीर सिंह, नगर पंचायत हरेली से श्रीमती नीलम वर्मा, नगर पंचायत किसनला से श्रीमती आशा कोरी और नगर पंचायत किंदवाड़ी से श्रीमती राजकुमारी गुप्ता। भाइयों बहनों, ये सब हमारे प्रत्याशी बहुत बहुत मदद कर सकते हैं। आप सब आगे थोड़ा ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के, एक बार जोरदार कर लो, उन्हीं से स्वागत कर लो। होगी चेयरमैन के साथ साथ उनके साथ पार्षद भी दिखाने, क्योंकि जब फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा ना वो बोर्ड ही निर्णय लेगा और वही बोर्ड के पास पैसा आएगा प्रदेश का, केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा वही आएगा और फिर वही निर्णय लेगा सड़कों की चौड़ीकरण के लिए, पार्कों के लिए,
सेक्टर है उनके सुदृढ़ीकरण और इसके लिए मैं आप सबसे चेहरी करने दिया है। सभी को सही लोग सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ रख के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 11 मई को पहले मतदान फिर जनमान, पहले मतदान के लिए भारी संख्या में भाजपा के प्रत्याशियों को चेयरमैन और पार्षद पद के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेजोरिटी के बोर्ड को बनाइए और विकास के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ आपको संस्थान उपलब्ध कराएगी। यही कहते हुए मुझे जनता की वाणी को देता हूं नाम जयदेव श्री राम। पहले मतदान फिर जलपान, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी खबर आप तक पहुँचाते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि दोस्तों हम आपको इसी तरह हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहें। और दोस्तों अभी से लेके 2024 तक के चुनाव की सारी खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अभी बाकी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जहां तक भी आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आप देखते हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब किए होंगे दोस्तों तभी हम आप तक कोई भी न्यूज़ है कोई भी खबर है पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चैनल को आपने अगर जोड़ा नहीं है तो आप तक न्यूज़ पहुंचने में देरी हो सकती है। यह चैनल हमने खास करके आप ही के लिए बनाया है और ये चैनल आपका ही है, तो चैनल में हमारे बने रहने का और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।